166 सीटें जीती बीजेपी, उसके बाद भी उसका मन नहीं भरता, उसके बाद भी तोड़फोड़, उसके बाद भी कांग्रेस मुक्त भारतीय जनता पार्टी, क्या कहेंगे, ये क्या है, ये कैसी राजनीति है? आपने जो एक बात कही कांग्रेस मुक्त भाजपा, मैं सिर्फ उस पर यह कहना चाहूंगा, यदि थोड़ा सा गंभीरता से हम देखेंगे, कांग्रेस युक्त कांग्रेस युक्त भाजपा, अगर वो अपने गिरेबान में झांक के देखेंगे तो जितने भाजपा के भी मूल कार्यकर्ता हैं, उनका दुखड़ा यही है कि हम तो जिन लोगों के हम पुतले जलाते थे, आज उन्हीं के घरों के बाहर दो दो चार चार घंटे हमें कतार में खड़े रहना पड़ता है अपने कार्य करवाने की। मोदी जी जिनके खिलाफ खुले मंच से कहते हैं कि हम इनको जेल के अंदर डालेंगे, दो दिन के अंदर फिर उसको अपनी एक वॉशिंग मशीन से निकालते हैं और कहीं किसी को डिप्टी सीएम बना देते हैं, कहीं किसी को सीएम बना देते हैं, कहीं किसी को कैबिनेट मंत्री बना देते हैं, जिसके लिए वो जेल भेजने की बात कह रहे थे। तो ये कैसा दौरा चरित्र है राजनीति का? हमें एक चीज और भी सवाल उठा है कि इतनी आतुरता, इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? आप ये यदि आपको आज शपथ दिलानी थी तो ये चीज दो तीन दिन पहले भी हो सकती थी। उनको 68 दिन हो गए, बीजेपी का जो मंच उन्होंने संभाला था 30 अप्रैल 2024 को मंच पे गए थे, साफ हो गया था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए हैं, तो इतनी देर विलंब क्यों? इस तरीके का र्यूमर भी उड़ाया गया है कि अमरवाड़ा से भी जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी करके बीजेपी में गए उनको भी मंत्री बनाया जाएगा। तो निश्चित ही क्या होता है, आम मतदाता सोचता है कि हमारा व्यक्ति मंत्री चुन जाए तो वो वोट को अगर नहीं देना चाह रहा है तो शायद इस आड़ में दे दे कि अगर वो मंत्री बनते हैं तो कोई व्यक्तिगत या हमारे क्षेत्र के काम होंगे तो जो रुके होंगे उनको भी करवा सकते हैं। एक चुनाव जीतने के लिए भी बीजेपी इतना नीचे गिर सकती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव तो ऐसा होना चाहिए कि फेयर हो, जनता के मन में जो निर्णय है वो पेटी में कैद होना चाहिए और उसको कोई भी प्रभावित नहीं कर पाए, इस तरीके के कदम उठाने चाहिए। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्यप्रदेश सरकार का एक फैसला सुर्खियों में है। मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने आज अपनी कैबिनेट का एक्सपेंशन किया है और एक्सपेंशन में एक ऐसे विधायक जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था उन्हें कैबिनेट में शामिल कर लिया है, कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिला दी है। इस पूरे के पूरे आयोजन को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि अभी जिन्हें कैबिनेट में शामिल भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने किया है, उनका इस्तीफा ही मंजूर नहीं हुआ है। वे 6 बार के विधायक हैं जैसे मैंने बताया कांग्रेस के, और जब लोकसभा का 2024 का चुनाव चल रहा था तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था कांग्रेस का हाथ छोड़कर। श्योपुर जिले की विजयपुर सीट से वे आते हैं और उन्हें मंत्री बनाए जाने के बाद एक रार छिड़ी हुई है, टकरार छिड़ी हुई है और कांग्रेस बेहद आक्रामक मूड में है, मुद्रा में है, शिकवे और शिकायतों का दौर चल रहा है। तो जो पूरे का पूरा मामला मसला है, इस मसले पर चर्चा करने के लिए हम चलेंगे आज एक खास मेहमान के पास, और वो खास मेहमान है मध्य प्रदेश विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे। हेमंत कटारे से मैं उन्हें जोड़ने के पहले बता दूं कि हेमंत कटारे मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे, कांग्रेस के बेहद सीनियर लीडर स्वर्गीय सत्यदेव कटारे साहब के पुत्र हैं और वे भी उसी क्षेत्र से, ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं जिस क्षेत्र से रामनिवास रावत आते हैं, और रामनिवास रावत वो विधायक हैं जिन्होंने जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरी थी, उस सरकार को गिराया गया था, और उस सरकार को गिराने में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस के नेता थे अब भारतीय जनता पार्टी में है, मोदी सरकार में मंत्री हैं, मोदी 2 में भी उन्हें मंत्री बनाया गया था जब उन्होंने कमलनाथ सरकार को गिराया था और अभी मोदी 3 में भी वे मंत्री हैं, तब रामनिवास रावत ने बहुत दमदारी से, बहुत तीव्रता से बार बार सिंधिया को कटघरे में खड़ा किया था, उन्हें गद्दार कहा था और कहा था कि पार्टी से दगाबाजी करने वाले ऐसे लीडरों को सबक सिखाया जाना चाहिए। लेकिन वक्त का चक्र जब पलटा बदला तो वही रामनिवास रावत जो कल ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार कह रहे थे, उन्होंने कांग्रेस से दगा कर दिया, कांग्रेस से गद्दारी कर दी और वे भारतीय जनता पार्टी की गोद में जा बैठे। अब जब उन्हें उस जो उन्होंने मुरैना
लोकसभा सीट है, उस मुरैना लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी की नैया पार लगवाने में 2024 लोकसभा चुनाव में जो मदद की, उसका पुरस्कार, उसका प्रतिफल, उसका पारिश्रमिक मोहन यादव जो मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपनी कैबिनेट में शामिल कर दे दिया है। तो हम इसी विषय पर बात करने के लिए चलेंगे हेमंत कटारे, जो विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष हैं, उनसे समझते हैं, पूछते हैं कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला मसला हो गया, कांग्रेस से चूक कहां हुई, कैसे वो इस मसले मामले को वक्त रहते ठीक ढंग से रेज नहीं कर पाई, और अब क्या कुछ आगे उसका इरादा है। तो चलते हैं हेमंत कटारे के पास, हमारे साथ जुड़ गए खास मेहमान, मध्य प्रदेश विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष के बाद जो नंबर टू सीट होती है, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे साहब। हेमंत जी आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और जो आज हुआ है मध्य प्रदेश में, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर क्या है हेमंत जी? जैसा कि आपने बताया भी काफी विस्तृत रूप से पूरे विषय को, कि कोई भी चीज होना, पहले तो ये घटित ही क्यों हुई कि एक व्यक्ति एक पार्टी के नाम पर, एक पार्टी के मैंडेट पर चुन करके आए और जनता का विश्वास मांगा उस पार्टी के नाम पर, बार बार चुनाव चिन्ह बता बता के वोट मांगे हजारों सभाओं में कि हाथ के पंजे पे वोट दीजिए, ऐसे दिखा दिखा के मांगे। जनता ने उस व्यक्ति पर, उस पार्टी पर विश्वास करके उनको जिता करके भेजा भी। अब अचानक से न जाने क्या परिस्थितियां निर्मित हुई, या तो सरकार ना बन पाने का दुख था या जो भी कारण है, मैं तो उनके, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं उसमें, नहीं कह सकता, लेकिन इनकी बीजेपी से कोई सांठगांठ हुई, कोई चर्चा हुई जिसमें सुनियोजित तरीके से बीजेपी का ये कमिटमेंट पहले ही हो चुका था कि यदि आप दल बदल करके हमारी तरफ आते हैं ठीक चुनाव के मौके पर कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा करके, तो हम उसको इनाम स्वरूप आपको कैबिनेट मंत्री का दर्जा यहाँ पर देंगे, ऐसा प्रतीत होता है और आप स्पष्ट ही हो गया आज ये सब चीजें। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको जनता भी देख रही है, मीडिया भी देख रही है, और क्या संदेश हम अपने आने वाली पीढ़ियों को दे रहे हैं इसके माध्यम से, मुझे नहीं पता किस ओर राजनीति जा रही है मध्य प्रदेश की या देश की, परंतु कोई अच्छी दिशा तो नहीं है जितना मैं समझ पा रहा हूँ। हेमंत जी आपने कोई शिकायत की है स्पीकर से, शिकायत की बात सामने, क्या कुछ शिकायत आपकी है उपनेता प्रतिपक्ष की हैसियत से और कांग्रेस विधायक दल के एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते, क्या कुछ आपकी ओर से मूव हुआ है? हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी द्वारा स्वयं पेटिशनर बनके जो शिकायत है आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी को प्रेषित की थी। शिकायत के मैंने कंटेंट्स नहीं पढ़े इसलिए मैं उसको विस्तृत रूप से आपको नहीं बता पाऊंगा, परंतु शिकायत का मूल भावना और मूल आधार यह था कि रामनिवास रावत जी ने कांग्रेस में रहते हुए पार्टी के साथ धोखा किया है और बीजेपी के हित में चुनाव में या काम जो इतने भी कर रहे हैं वो बीजेपी के हिसाब से कर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर दल बदल कानून लागू करते हुए उनको, उनकी सीट को रिक्त घोषित करते हुए पुनः उन्हें चुनावी मैदान में भेजा जाना चाहिए, ये शिकायत की मूल भावना थी। इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद अचानक से आज देखा जाता है कि उनको कैबिनेट मंत्री की शपथ दिला दी जाती है, तो कैबिनेट मंत्री वो बन गए, दल बदल कानून उनके ऊपर लागू किया नहीं अभी तक। और अब रही बात इस्तीफे की, जो तीसरा इसमें विकल्प हो सकता था वो ये होता कि वो उनका इस्तीफा मंजूर किया जाता, जो कि होना नहीं चाहिए था क्योंकि कायदे में ये प्रकरण दल बदल का है। तीसरी चीज भी वो करना भूल गए और उन्होंने उनका इस्तीफा भी अभी तक मंजूर नहीं किया है। अब मुझे जो आशंका है और या जो मुझे मेरे सूत्रों के द्वारा पता चला कि इनका इस्तीफा आप बैकडेट में मंजूर करके सरकार इस पूरे विषय को रफा दफा करने की प्रयास में है। मेरे कुछ पत्रकार साथियों ने भी फोन लगाए विधानसभा सचिवालय में जानकारी लेने के लिए। तो अब आप देखिए क्या होता है कि अचानक से वहां के जो प्रमुख सचिव हैं, जो सचिव हैं, जो या जिम्मेदार अधिकारी, उनको आवाज ही नहीं आ रही है, नेटवर्क वीक हो रहे हैं अचानक से, जो अभी तक नहीं थे। फिर अंदर जो सचिवालय की जो जानकारियां हैं वो नहीं बता पा रहे हैं। ये पूछा क्या इस्तीफा आया है तो कोई जवाब स्पष्ट नहीं है और तीन लोग तीन तरह के उत्तर दे रहे हैं। फिर जब ये पूछा गया कि भाई इस्तीफा आया तो कितने बजे आया, तो कोई कह रहा है नहीं आया, कोई कह रहा है आज सुबह प्राप्त हुआ, कोई कह रहा है कल आ गया था। तो स्पष्ट है कि ये पूरी चीजें जो है एक घोलमाल करने का प्रयास चल रहा है उनको दल बदल कानून के दायरे में ना आए इस चीज से बचाने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरी ऐसी आशा है और मुझे विश्वास भी है कि हमारे विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी किसी के दबाव में कार्य नहीं करेंगे, पारदर्शिता से कार्य करेंगे, नियम संगत कार्य करेंगे और रामनिवास रावत जी के ऊपर जो कार्यवाही दल बदल कानून के तहत लागू होनी चाहिए उसी कार्रवाई के तहत वो आगे कदम बढ़ाएंगे।
नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा जो आप ये भी आया है कि सौदेबाजी थी वो, जो आप जिस मुरैना सीट की बात करते हैं, मुरैना सीट पर पिछली बार 2019 में नरेंद्र सिंह तोमर साहब वहां से जीते थे, और इस बार उन्होंने अपने सिपा सलार चूंकि विधानसभा में आ चुके हैं, उसको टिकट दिलाया गया था मिस्टर तोमर, जो शिवमंगल सिंह तोमर साहब को, तो कहीं ना कहीं ये तो उपकार ही हुआ ना कि जो रामनिवास रावत का मदद हुई, जो आपने कहा कि कांग्रेस से उन्होंने धोखाधड़ी हुई और जो बगावत हुई या जो कांग्रेस के खेमे में उनकी तरफ से सेंधमारी हुई, तो उसका तो प्रतिफल ही है ना। तो स्पीकर से आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं, ठीक है कि वो तो सदन में एक निष्पक्ष और इस तरीके से काम करने वाला माना जाता है उस पद को, लेकिन हम देख रहे हैं, हम देश में भी देख चुके हैं क्या कुछ लोकसभा में हो रहा है, क्या कुछ अन्य राज्यों में हो रहा है, जहां जो सूट कर रहा है वैसा हो रहा था। ऐसे में उम्मीद आपको भले ही आप लगाएं, लेकिन यदि नहीं पूरी होती तो आपका कदम क्या होगा, कांग्रेस का कदम क्या होगा? मैं उम्मीद इसलिए लगाया हूं क्योंकि जब से आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी स्पीकर बने हैं तब से लेकर के अभी तक उन्होंने बातों को सुना है और कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो कि नियम के विपरीत जाकर किया हो, इसलिए मैं उम्मीद लगाया हूं। किसी पे पहले ही आरोप लगा दूं तो मुझे लगता है कोई बहुत अच्छी परंपरा नहीं होगी वो, क्योंकि उनकी खुद की गृह जिले का, उनकी खुद की जो लोकसभा सीट है उसका मामला है, तो थोड़ा सा मुझे भी ऐसा लगता है कि इसमें गड़बड़ होने की आशंका है, लेकिन मेरी उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। मैं फिर से उसी बात को दोहराऊंगा कि उन्होंने खुद भी इस बात को सुना होगा, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तब रामनिवास रावत जी ने मंच से पहले तो कांग्रेस के लिए बातें कही कि मैं कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन में ऐसे ऐसे कार्य करूंगा, उसके बाद अचानक से ओवरनाइट पलटी मारते हुए वो भाजपा के खेमे में जाके भाजपा के हिसाब से बातें कहने लगे, वो बातें जिससे कांग्रेस को नुकसान हो और भाजपा को उसके चुनावी राजनीति में वोटों की राजनीति में फायदा मिले, इस तरह के कार्य हुए हैं। लेकिन चूंकि स्पीकर की चेयर ये बहुत गरिमामय होती है, तो मैं उस चेयर से तो उम्मीद करूंगा, व्यक्ति का क्या, उस पर बैठे हुए व्यक्ति क्या करते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा ही, लेकिन चेयर के प्रति मेरा आरोप लगाना, क्योंकि मैं उस सदन का सदस्य हूँ, वो सबसे सम्मानित चेयर है और मैं उस पर एकदम आरोप लगाऊं मुझे लगता है एक अच्छी परंपरा नहीं है, मैं इसलिए थोड़ा सा इस पर सद के चलूंगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है तो मैं आरोप लगाने में भी संकोच नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नियम के नीचे चलने वाला व्यक्ति हूँ, और यदि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति नियम के बाहर जाता है तो मुझे लगता है कि फिर वो आरोपी है उस चीज का, फिर वो कोई भी हो सकता है, उसमें उस दायरे में प्रधानमंत्री से लेके हर एक छोटा कार्यकर्ता, हर एक व्यक्ति आ सकता है, तो फिर मैं संकोच भी नहीं करूंगा। लेकिन जब तक कोई कदम नहीं आ जाता तब तक मैं आशा करना और मेरी उम्मीद है कि सही नियम संगत कार्य होगा। हेमंत जी, इसमें कोई क्या कानूनी विकल्प आप लोग के पास है, कुछ उस पर विचार होगा, यदि नहीं होता है तो कुछ है आपके पास? कानूनी विकल्प तभी खुले होते हैं जब किसी चीज का प्रमाण होता है। अब भाई सरकार लीपापोती करना चाहे तो आप भी जानते हैं संजीव जी, जैसे दलबदल तो हेमंत जी क्लियर हो गया कि दलबदल हुआ है, और ये भी निकल के चीजें आ गई सामने कि कैसे उनको उपकृत किया गया, मंत्री पद दिया गया, सारी चीजें बहुत ओपन है, इसमें कहीं छुपी हुई कोई चीज नहीं है। तो इसमें मैं ये कि कानूनी कोई विकल्प है कि कोर्ट कचहरी जाने जैसी स्थिति होता है आमतौर पर जाया जाता है, कुछ वहां चैलेंज जैसी कोई स्थिति होगी या बनेगी तो आप लोग की ओर से मूव होगा? निश्चित ही फिर हम लोग उसको अगले जो भी प्लेटफॉर्म होगा हाईकोर्ट पे विधि सलाहकारों से, लॉयर से बात करके जाएंगे। लेकिन सर मुझे इस बात की आशंका है कि हो सकता है कि जो अभी वो तुरंत इस्तीफा बुलवाए उनका और इस्तीफा बुलवा करके बैक डेट में उसमें लिख के मंजूर कर दें, तो यदि वो इस तरह की चीज होती है, यदि मान लीजिए, तो कोर्ट के अंदर जब भी हम कोई जाते हैं तो कोर्ट आशंकाओं के आधार पर नहीं सुनवाई करता है, कोर्ट सुनवाई करता है प्रमाण के आधार पर। अब दिक्कत यह है कि जो न्याय देने वाले हैं वही लोग अगर प्रमाण को मिटाने का कार्य करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन समझदार व्यक्ति जो है, बुद्धिजीवी व्यक्ति जो है, वो इस चीज को समझ रहा है कि वास्तविकता में गलत तो हो रहा है, मध्य प्रदेश में जो कार्य वर्तमान में हो रहा है ये गलत है, और जो दल बदल का प्रकरण है उसको सामान्य प्रकरण में तब्दील करने का एक प्रयास किया जा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। नहीं तो ऐसे कानून बनाए क्यों, फिर इन कानूनों को मिटा देना चाहिए, हमें वापस पुरानी प्रणाली पर जाना चाहिए कि भाई दल बदल का कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई भी जब चाहे तब दल बदल कर रहे, कोई भी जब चाहे तब पलटी मारे, गद्दारी करे, इस तरह के कानून हटा देना चाहिए, फिर तो भी कोई आपत्ति नहीं, कानून है तो उसका सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल, अब इसी में से एक उद्भूत होता है प्रश्न की, आप ये जो आप आपकी थोड़ी सी कहीं पीड़ा है मन की, इस पीड़ा को व्यक्त करेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष को आप कहेंगे कि खत्म करिए ये कानून, वहीं से सारा कुछ नियत होता है, क्योंकि वहां से सब चीजें ठीक नहीं चल पा रही, और जिस तरीके से केसरिया करने के लिए राज्य को आपके यहाँ मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार को गिराया गया, और भी राज्यों में बहुत सारे उदाहरण है, तो क्या आप कुछ ऐसा पहल करेंगे? आपका जो निराशा थोड़ी सी कहीं, आप आशान भी जरूर हैं, लेकिन साथ साथ ये जो जब नहीं होता है तो कहीं दुख के या
उसको प्रकटीकरण तो किसी भी रूप में आप उसको कह लीजिए, तंज के रूप में कहीं कुछ आप सोचते हैं, क्योंकि आपने कई पत्र खत आपके हमने देखे हैं जिसमें सब चीजें समाहित हैं। हेमंत जी, मैं तो यही कहूंगा, यही आशा भी करूंगा फिर से जो मैंने बात कही कि पहले कानून का पालन होना चाहिए, और मैं हमारे विधानसभा के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से ये आशा करूंगा और उनसे आग्रह भी करूंगा कि दल बदल कानून की कार्रवाई के तहत ही उनको आगे बढ़ना चाहिए इस प्रकरण में, और यदि वो नहीं बढ़ते हैं तब मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं पहले अपने सीनियर लीडर्स से, अपने विधि सलाहकारों से बात करके ही फिर मैं कोई अगला कदम उठाऊंगा, और जो भी उठाऊंगा मैं उससे आपको निश्चित ही अवगत करवाऊंगा। बिल्कुल हेमंत जी, एक चीज और भी सवाल उठा है कि इतनी आतुरता, इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? आप ये यदि आपको आज शपथ दिलानी थी तो ये चीज 2-3 दिन पहले भी हो सकती थी। उनको 68 दिन हो गए हैं, बीजेपी का जो मंच उन्होंने संभाला था 30 अप्रैल 2024 को मंच पे गए थे, साफ हो गया था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए हैं, तो इतनी देर विलंब क्यों? और दूसरा, इसके पीछे क्या आप लोग सोच रहे हैं? क्योंकि हम लोग ये भी सोचते हैं कि अमरवाड़ा जो चुनाव है, कमलनाथ जी ने जिस तरीके से वहां कोशिशें की हैं कि जो लोकसभा चुनाव में कठिनाई हुई थी या हार गए थे नकुल नाथ जी, तो उसकी भरपाई की कोशिश हो रही, क्या वहां उस चुनाव को प्रभावित करने की एक कोशिश भी इसे मान लिया जाए? क्योंकि निकल कर आ रहा है कि वहां वो अब बहुत बीजेपी कंफर्ट जोन में नहीं है, जो कमलेश शाह है वो कंफर्ट जोन में नहीं है, तो कहीं इसलिए तो, क्योंकि उनका भी नाम इसमें चला है कि उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इस बात को भी कहा जा सकता है कि अमरवाड़ा चुनाव को भी प्रभावित करने के लिए जो टाइमिंग है उस हिसाब से देखा गया, उस हिसाब से तय किया गया है, और एक इस तरीके का र्यूमर भी उड़ाया गया है कि अमरवाड़ा से भी जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी करके बीजेपी में गए उनको भी मंत्री बनाया जाएगा। तो निश्चित ही क्या होता है, आम मतदाता सोचता है कि हमारा व्यक्ति मंत्री चुन जाए तो वो वोट को अगर नहीं देना चाह रहा है तो शायद इस आड़ में दे दे कि अगर वो मंत्री बनते हैं तो कोई व्यक्तिगत या हमारे क्षेत्र के काम होंगे तो जो रुके होंगे उनको भी करवा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक वोटों को या वोटर्स को एक तरीके का लालच तो है, इनडायरेक्टली देने का प्रयास तो है ये र्यूमर फैला करके। और टाइमिंग पे सवाल तो उठता ही है, वहां वोटिंग होने वाली है, प्रचार अपने अंतिम दौर में आ चुका है, और ऐसे समय पे यहाँ मंत्री पद की शपथ दिलवाना और उस तरह का रूमर उड़ाना कि उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है, ये सब कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने की भी दृष्टि से किया जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन एक चुनाव जीतने के लिए भी बीजेपी इतना नीचे गिर सकती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव तो ऐसा होना चाहिए कि फेयर हो, जनता के मन में जो निर्णय है वो पेटी में कैद होना चाहिए और उसको कोई भी प्रभावित नहीं कर पाए, इस तरीके के कदम उठाने चाहिए। लेकिन हम सब कानून से बंधे हुए हैं, कुछ चीजों, मैं समझता हूँ कानून आशंकाओं पे भी नहीं चल सकता है, तो ठीक है जो बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी अपना रही है जनता उसको देख सकती है, बुद्धिजीवी वर्ग है हमारी जनता, सब बुद्धिजीवी है, समझते हैं, और जो समझदार व्यक्ति है वो इस चीज का समय आने पर निश्चित ही वोट के माध्यम से उत्तर भी देगा। 166 सीटें जीती बीजेपी ने, उसके बाद भी उसका मन नहीं भरता, उसके बाद भी तोड़फोड़, उसके बाद भी कांग्रेस मुक्त भारतीय जनता पार्टी, क्या कहेंगे, ये क्या है, ये कैसी राजनीति है? आपने जो एक बात कही कांग्रेस मुक्त भाजपा, मैं सिर्फ उस पर ये कहना चाहूंगा यदि थोड़ा सा गंभीरता से हम देखेंगे, कांग्रेस युक्त, अब तो कांग्रेस युक्त भाजपा, कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई, कांग्रेस युक्त भाजपा। अगर वो अपने गिरेबान में झांक के देखेंगे तो जितने भाजपा के भी मूल कार्यकर्ता हैं उनका दुखड़ा यही है कि हम तो जिन लोगों के हम पुतले जलाते थे आज उन्हीं के घरों के बाहर 2-2, 4-4 घंटे हमें कतार में खड़े रहना पड़ता है अपने कार्य करवाने की, क्योंकि आज जो कांग्रेस फूल छाप कांग्रेसियों की मैं बात कहूंगा जो थे अब नहीं है, उन लोगों की ही हिस्सेदारी भाजपा में, और पूरे जो भाजपा के निर्णय हो रहे हैं वो वही लोग कर रहे हैं। तो अब आप भाजपा के कैडर का, जो वो एक आम व्यक्ति है जो सालों से संघर्ष पार्टी को खड़े करने के लिए कर रहा था, आप उसकी भावना की कैसे भाजपा ने हत्या करी है वो आप देख लीजिए, क्योंकि उसने जिस व्यक्ति का पुतला जलाया, जिस व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ा, जिस व्यक्ति के खिलाफ लड़ने के कारण उसके ऊपर हो सकता है केस भी लगे हो, जेल भी गया होगा, वो आंदोलन भी हुए हैं, आज वो उसी के पीछे अपनी फाइल लेके खड़ा हुआ, उसकी मजबूरी है और ऐसा समय का परिवर्तन है। तो भाजपा के लोगों को मैं इस तरह के पहल के लिए पहले तो बधाई देता हूं कि आपने देश की राजनीति में जो उच्चतम गंध फैल सकती थी वो आपने फैला दी है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मुझे नहीं लगता राजनीति इतनी गंदी कभी भी हो सकती थी, राजनीति थी गंदी हमेशा से, लेकिन इस कदर गंदी होगी मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी संजीव जी। और रही बात यही चीज देश में हो रहा है, मोदी जी जिनके खिलाफ खुले मंच से कहते हैं कि हम इनको जेल के अंदर डालेंगे, 2 दिन के अंदर फिर उसको अपनी एक वॉशिंग मशीन से निकालते हैं
और कहीं किसी को डिप्टी सीएम बना देते हैं, कहीं किसी को सीएम बना देते हैं, कहीं किसी को कैबिनेट मंत्री बना देते हैं, जिसके लिए वो जेल भेजने की बात कह रहे थे। तो ये कैसा दोहरा चरित्र है राजनीति का, और कम से कम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जैसे गरिमामय लोग जो इस पद पे बैठे हुए हैं, जो डंका पीट रहे हैं पूरे देश में पूरे विश्व में लोकप्रिय होने का, वो अपने देश के अंदर किन बातों को लेकर के लोकप्रिय हैं, ये भी उनको विचार मंथन करना चाहिए। कम से कम ठीक है मीडिया पे कहने की बात अलग है, लेकिन अपने अंदर गिरेबान में तो झांकना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं क्या ये सही है आने वाली पीढ़ियों के लिए कि गलत है। एक टिप्पणी और चाहूंगा, अब दल बदल गया रामनिवास जी का। रामनिवास जी तो आप लोगों के बड़े मतलब कह लीजिए मार्गदर्शक के तौर पर भी शामिल रहे हैं, वो आपके पिताश्री के साथ काम किया लंबा उनका अनुभव है। अब वो नजरें कैसे मिला पा रहे होंगे, क्या आपकी उनको लेकर क्या राय है, जो कल तक ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार कहते थे। निश्चित ही जब सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ी है, ऑपरेशन लोटस जब चल रहा था, मैं आपको कहना चाहूंगा आपके चैनल पे कि सबसे पहले व्यक्ति जिनका मेरे पास कॉल आया था वो रामनिवास रावत जी थे। उनने बोला हेमंत कोई दिक्कत बात तो नहीं, मैंने कहा सवाल ही नहीं है, मैंने कहा अंकल मेरे पिताजी जिस पार्टी में उन्हें अपने अंतिम समय तक रहे उस पार्टी में मैं कोई बात ही नहीं। फिर उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, रिवेरा टाउन वाले घर। मैं शाम को उनके घर गया, आधा घंटा बैठ के मेरी उनकी चर्चा हुई और काफी देर बात हुई मेरी उनसे, तब तो मैं एमएलए भी नहीं था। और उन्होंने मुझे बड़े अच्छे से समझाया, बिल्कुल पिता के भाव से, मैं इस बात को स्वीकार हुआ एक पिता के भाव से, बड़े उन्होंने मुझे समझाया और बताया कि बेटा अपनी ये पार्टी है, पार्टी के साथ हमको रहना है और हम सब मिलके पार्टी को खड़ा करेंगे। और मैंने भी उनको बोला, मैंने कहा अंकल मैंने कहा आप नेतृत्व कीजिएगा, मेरे पिता तो नहीं रहे लेकिन मैं आपको भी पिता तुल्य मानता हूं, मैं आपके साथ और पार्टी के साथ सदैव खड़ा रहूंगा। ये सारी बातें हुई और आज जब मैं उन बातों को याद करता हूं तो मुझे नहीं पता वो बातें कहां खो गई, कहां छूमंतर हो गई, लेकिन व्यक्ति वही है। उन्होंने मुझे ये सारे संस्कार पाठ दिए, लेकिन आज वो खुद क्यों उन संस्कारों को पाठों को भूल गए, कैसे भूल गए, अगर उनको याद हो मेरे ये वो इंटरव्यू सुनेंगे तो निश्चित ही उनको याद आएगा कि उन्होंने मुझे क्या क्या शब्दों में कैसे कैसे समझाया था और मैं आज वही जहां था। अब वो क्यों चले गए, वो तो चुनाव भी जीत गए, हम तो उनका सम्मान भी पूरा करते थे चाहे सदन में हो चाहे बाहर हो, मैं तो हमेशा उनका इतना सम्मान करता था। मैं समझता हूँ इस बात को तो वो भी स्वीकारेंगे कि मैंने उनका सम्मान जितना किया इतना शायद ही किसी का प्रदेश में किसी नेता का सम्मान किया होगा। और निश्चित ही वो हमारे बड़े ऐसे नेताओं में थे जिनसे हम लोग सीखते थे, कभी भी कोई प्रश्न मन में उत्पन्न होता था संसदीय कार्य प्रणाली को लेकर के विशेष रूप से, तो उनका अपार ज्ञान था उनको और हम लोग सीखते थे उनसे। लेकिन जो उनने अब किया है मैं तो आंख मिला लूंगा, लेकिन वो कैसे मिलाएंगे इसका उत्तर वही दें। हेमंत जी एक अंतिम सवाल करूंगा, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपने टाइमिंग की बात कही कि भारतीय जनता पार्टी की टाइमिंग, आप लोग कैसे चूक कर जाते हैं, बार बार आप लोग के साथ धोखे हो रहे हैं। राहुल जी ने जैसे हमने देखा गुजरात में बड़ी अच्छी बात कही कि हम जो है वो जो रेस का घोड़ा और शादी का घोड़ा, बड़े वो बेबाकी के साथ में और बहुत जो कुछ कर सकते हैं चाहे संगठनों और चाहे देश में जो कुछ वो अपनी कोशिशें कर सकें वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं उस तरीके से चेत पा रही है। मध्य प्रदेश में देख रहे हैं बार बार, दुख भी कई बार होता है कि चूक कैसे हो जाती है, आपके साथ बार बार ऐसा धोखा हो रहा है आप पकड़ नहीं पाते और लोग आपके साथ छोड़कर चले जाते हैं, बाद में आप वो जो होता है कि सांप निकल गया लकीर पीटने वाली बात, क्या कहिएगा। देखिए हम कांग्रेस के सभी लोग, हम लोग विश्वास करते हैं अपने कार्यकर्ताओं पे और अपने नेताओं पे, और विश्वास करना मुझे तो नहीं लगता कि कोई बुरी बात है। अगर हम अपने ही इर्द गिर्द के लोगों को सबको शंका की निगाह से देखने लगेंगे तो काम कैसे करेंगे, एक दूसरे के साथ रोज कैसे उठेंगे कैसे बैठेंगे। ठीक है आप ये कह सकते हैं कि एक इंटेलिजेंस होना चाहिए, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की, अब मैं आपसे इसी आपके प्रश्न में काउंटर प्रश्न पूछ रहा हूं कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक मंच से यदि ये कह रहा है कि हम कांग्रेस पार्टी के लिए जान दे देंगे, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के लिए एक बेटे की तरह चुनाव लड़ूंगा, ये बातें कह रहा है और 24 घंटे के बाद यदि वो इस बात से पलट जाए, तो इसके लिए मेरे को नहीं लगता अभी कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेडिकल साइंस में डेवलप हुआ है जहां ये पता कर पाया जाए कि ये व्यक्ति सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। हम तो भरोसा कर रहे थे, और मुझे तो मुरैना में उनके भाषण याद है, मैं था उस मंच पे और उन्होंने जो भाषण दिया, कभी मैं आपको उसकी वो भेज भी दूंगा लिंक, मतलब मार्मिक भी था वो, उन्होंने ऐसा लगा कि सारा बोझ अपने कंधे पे ले लिया हो प्रत्याशी का। और मैं तो इतना खुश हुआ उस दिन, मैंने कहा अब हमें चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता, वास्तविकता में हम मुरैना सीट जीत रहे थे, लेकिन अब कोई व्यक्ति रातों रात अपनी बात से मुखर जाए तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मेरे पास तो शब्द ही नहीं, मेरी डिक्शनरी यहां समाप्त हो जाती है। भाई आपको पार्टी की विचारधारा से हटना है, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है आपकी विचारधारा समय से बदल सकती है, कारण हो सकते हैं, नाराजगी हो सकती है,
किसी भी व्यक्ति की हो सकती है, लेकिन उसका तरीका ये नहीं होना चाहिए। उसका तरीका होना चाहिए कि आप बताइए कि मेरी ये नाराजगी है और या फिर मेरे ये कारण है, और या फिर ये बता दीजिए कि भाई मेरे को पैसा कमाने के लिए भाजपा में जाना, कांग्रेस सत्ता में नहीं है 200 साल से, जो भी आपका कारण है, मैं नहीं कहता कारण क्या है, लेकिन कम से कम सच बोलने की हिम्मत तो रखिए। आप 2.5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो 2.5 लाख लोगों में आप क्या संदेश दे रहे हैं इस तरह की राजनीति को करके, आप सच बोल के करिए, ये कार्य करना है, लेकिन सच बोलने की हिम्मत और जज्बा राजनीति में लाना पड़ेगा। सभी नेताओं के लिए बात है, और मैं समझता हूं इसको मैं अपने ऊपर भी लागू करने का पूरा प्रयास करूंगा, और जो भी वर्तमान स्थिति है इसको लेकर के मैं थोड़ा सा विचलित तो हूं, ये कह सकता हूं। नहीं विचलित, इसमें एक चीज और भी है, ये क्या इसके पीछे जैसे निकलता है, मंत्री पद तो हो गया, और आप लोगों ने पहले कई ब्लेम्स हुए हैं कि 25 करोड़, 40 करोड़, फलाना ढिमका, जो एक ब्लेम होते हैं, इसमें और क्या देखते हैं, इसके पीछे और क्या सौदेबाजी रही होगी, क्या देखते हैं? अभी तो मैं अपने मोबाइल की घड़ी देख पा रहा हूँ, क्योंकि संजीव जी आपने अंतिम प्रश्न बोल के 4-5 सवाल जो है धीरे धीरे से कर लिए हैं, लेकिन मैं यही कह पाऊंगा कि मैंने आपको सारे विषय को मैंने काफी विस्तृत रूप से मैंने बता दिया है, और अब उनके क्या कारण होंगे मुझे तो नहीं पता, वास्तविकता में ज्ञात नहीं है, क्योंकि ना ही मेरे अंदर इस प्रकार की, चलिए छोड़िए इसको, छोड़िए आपकी कहीं उसमें वो भी है, जो विजयपुर सीट है जी, सीट पर क्या संदेश आप लोगों का होगा कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस से धोखे बची हुई अंतिम फाइनल। मेरा सीधा संदेश है वहां के मतदाताओं से कि आने वाले समय में वहां चुनाव होने वाला है, उपचुनाव होने वाला है। मैं वोटरों से ये आग्रह करना चाहूंगा कि यदि ये एक सीट कांग्रेस जीतती है तो हमारी सरकार तो नहीं बनती निश्चित ही, हम विपक्ष में फिर भी हैं, लेकिन यदि एक सीट जीतती है तो देश में इतना व्यापक संदेश वो वोटर, एक एक वोटर भेज सकता है कि कोई भी व्यक्ति अगर मूल वोटर की भावना को ठेस पहुंचाकर उसकी अनुमति के बिना अगर इस तरह के दल बदल करता है, उनके साथ गद्दारी करता है, तो कैसे उनको भाजपा मंत्री बना सकती है और वोटर लाके जमीन पे वापस खड़ा कर देगा, ये संदेश वोटर दे सकता है। और ये संदेश इतना बड़ा है कि आने वाले समय में कदम कांप जाएंगे, पैर कांपने लगेंगे, कोई भी इस प्रकार का कदम नहीं उठाएगा बिना अपनी जनता से पूछे हुए। बिल्कुल बिल्कुल हेमंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत की, समय निकाला, और मैं निश्चित तौर मैंने आपसे कहा था 15 मिनट के आसपास का होगा, थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन वो विषय ऐसा था कि वो समाप्त नहीं होता था इसमें भी, लेकिन बहुत सारगर्भित चर्चा हुई, अच्छी चर्चा हुई, और आपने बेबाकी से जवाब दिए, बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हेमंत कटारे जी, जो स्पष्ट कर रहे थे कि ठीक है आपने पार्टी से दगा कर दिया, लेकिन जनता है, जनता का भी समय होता है, जनता का वक्त आता है, और वो जब आवाज करती है, उसकी लाठी जो है इतनी जोर की पड़ती है कि फिर कोई राह रास्ता आपके पास हो नहीं सकता, मिलता नहीं है। और जो आने वाला जो विजयपुर का उपचुनाव है, संभवतया विजयपुर की जनता सही जवाब, जो रामनिवास रावत है जिन्होंने दल बदल किया है, मंत्री पद पा लिया है, उन्हें शायद देगी। इस चर्चा में इतना ही, हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ज्वाइन का बटन आपने नहीं दबाया, ज्वाइन का बटन भी दबाइए। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिए कि ये चर्चा आपको कैसी लगी, पैर बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।